लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद पूरे विश्व के तमाम लीडर्स ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी, जिनका जवाब पीएम मोदी देते भी नजर आए। हालांकि मोदी के एक जवाब से चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी लेकर उतर आया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते की बधाई का जवाब देने से चीन भड़का हुआ है। लाई उन विश्व नेताओं में शामिल थे जिन्होंने चुनावी नतीजों के बाद एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से मोदी को तीसरे कार्यकाल हासिल करने पर बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था, हम तेजी से बढ़ती ताइवान भारत साझेदारी को बढ़ाने, व्यापार और बाकी क्षेत्रों में योगदान देने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं। ये इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि के लिए होगा। मोदी ने कुछ घंटों बाद एक्स पर जवाब दिया। लाई को उनके स्नेहपूर्ण संदेश के लिए धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा, मैं घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूँ कि हम आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते रहेंगे। हालांकि चीन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। चीन ने कहा कि वो द्विपक्षीय संबंधों के हित को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीन ने यह भी कहा है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है, लेकिन ताइवान को दिए इस रिप्लाई पर चीन के विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ताइवान में कोई राष्ट्रपति नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन ने हमेशा ताइवान के क्षेत्रीय अधिकारियों और चीन के साथ राजनीतिक संबंध रखने वाले दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार की आधिकारिक बातचीत का शुरुआत से ही विरोध किया है। विश्व में सिर्फ एक ही चीन है। FM प्रवक्ता माओ निंग ने गुरुवार 6 जून को ये कहा कि भारत ने एक चीन सिद्धांत के संबंध में गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धताएं की हैं और ताइवान अधिकारियों की राजनीतिक योजनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए और एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले कामों से भी बचना चाहिए। कुल मिलाकर भारत को इस सब से परहेज करना चाहिए। चीन की वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि ये चीन में सिर्फ एक ही सरकार है। नीति के तहत अमेरिका ताइवान द्वीप के बजाय चीन को मान्यता देता है और उसके साथ औपचारिक संबंध रखता है, जिसे चीन एक अलग प्रांत के रूप में देखता है। 64 वर्षीय लाई ने पिछले ही साल अलग हुए द्वीप ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और भारत ताइवान संबंधों को 2014 में तब बड़ा बढ़ावा मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी ताइवान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। ताइवान के मुद्दे पर मोदी का राजनीतिक नजरिया था और पहले उन्होंने ताइवान के साथ रिश्ते बनाने की पहल की थी। 1999 में मोदी ने भाजपा महासचिव के रूप में भी ताइवान का दौरा किया था और 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भारत में सबसे बड़े ताइवानी प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने ताइवान के साथ अलग रिश्ते बनाए रखे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी और फिलहाल ताइवान सेमीकंडक्टर चिप बनाने में भी अव्वल है। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के बीच संबंधों में भी काफी तनाव आया है। गलवान घाटी में हुए संघर्ष ने दोनों देशों के बीच खटास पैदा कर दी। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान, ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे देशों में बंदरगाह के विकास जैसी पहले भी चीन की बढ़ती उपस्थिति पर भारत को सोचने पर मजबूर कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में भारत की भागीदारी को चीन भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव के खिलाफ मानता है। वहीं भारत और चीन के बीच व्यापार में भी असंतुलन का मामला है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर क्या रिप्लाई आता है। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।